मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बहुत सारे प्रोमिसेस करे हैं, बहुत वादे किए हैं, उनमें से एक था एक राष्ट्र एक नौकरी, एक राष्ट्र एक परीक्षा, कितनी भी हो नौकरियां मगर परीक्षा देनी होगी केवल एक। जी हाँ, और ये बात उन्होंने कही थी मगर शायद लोग आज भूल गए हों, तो आपको याद करा देती हूँ, क्योंकि बजट में इसके लिए प्रावधान निर्मला सीतारमण जी के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर किया गया था। अब सूचक पटेल की June 19, 2024 की ये रिपोर्ट है जो द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में आई है। मिलियंस वेटिंग वन एग्जाम फॉर द प्रॉमिस जॉब्स, एक परीक्षा। और ये सचमुच में सुनने में बड़ा अच्छा लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, CET होगा, ताकि जितने हमारे नौजवान हैं उन्हें सरकारी नौकरी के लिए, केंद्रीय सरकारी नौकरी के लिए बार बार अलग इम्तिहान देने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें जो कैटेगरीज रखी गई थी वो कैटेगरीज थी ग्रेजुएट्स, क्लास 12 पास, क्लास 10th पास। मगर इसमें आपको ये क्यों लाया गया वो भी बता दूं, क्योंकि 22 करोड़ जो परीक्षार्थी थे उन्होंने केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए 2014 से 2022 के बीच में अप्लाई किया था, और इसी कारण से जब ये देखा गया कि जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया है सूचक पटेल जी ने कि एक व्यक्ति एक एग्ज़ाम देता है, फिर वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देता है या बिहार वाला देता है, इसी तरह से उसके उसका समय कटता चला जाता है और नौकरी कहीं नहीं मिलती और पैसा अलग बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इसके लिए सरकार एक बड़ा अच्छी योजना लेके आई फरवरी 2020 में कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिससे जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलग अलग नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा देनी होगी, हर साल ये परीक्षा होगी। और इसमें ये था कि करीबन 3 करोड़ युवा इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन ना तो वो इम्तिहान हुआ ना कुछ। प्रधानमंत्री जी की ये जो बड़ी ग्रैंड आइडिया था ना, इसके बारे में अगर बताया जाए कि क्या कहा जाता है तो नाम याद रखिएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। मतलब सरकार एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने वाली थी, उन्होंने बनाई भी मगर वो अंडरस्टाफ्ड है, उसमें लोग नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनको तो तनख्वाहें जा ही रही होंगी ना। और इसके बारे में अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया था, NRA इज एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेप टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट एज इट वुड क्रिएट अ यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और जिस तरीके से हमने बेरोजगारी के हाल देखे हैं, जिस तरह से हमारी जो सरकारी संपत्तियां उनको बेचे जा रहे हैं, तो नौकरियां तो वैसे ही कम हो गई, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक अकेला एलिजिबिलिटी टेस्ट सबके लिए होना है, ये प्लान जब आया था उसके बारे में सोचा गया कि जी इस प्लान के बारे में तो अब बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि एक ही इम्तिहान दिया जाएगा, बार बार ही आपको फीस भी नहीं जमा करनी पड़ेगी, और क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है और कभी कैंसिल हो जाता है पेपर, कभी पेपर लीक हो जाता है और कभी आप क्लियर नहीं कर पाते, फिर आपको देना पड़ता है, तो हर साल केवल एक ही बार अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट स्पीच में जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बताया और कहा कि 1517.57 करोड़ पहले 3 साल के लिए दिए गए, और उन्होंने कहा कि इस समय जो कैंडिडेट्स को अलग अलग कई कई एग्ज़ाम्स के लिए अपियर करना पड़ता है, जो अलग अलग एजेंसियां करवाती हैं अलग अलग समय में और सेम तरह के पोस्ट के लिए, जैसे क्लर्क का पोस्ट है तो क्लर्क के पोस्ट के लिए जो सिमिलर टाइप का है उसके लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, अलग अलग इम्तिहान देने पड़ते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा उस, क्योंकि उससे लोगों के ऊपर बहुत बोझा पड़ता है, पैसे का, समय का और मेहनत का, उतनी ही मेहनत बार बार हर एग्ज़ाम के लिए करना पड़ता है। और इसीलिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बनाई जाएगी, और ये
कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेगा फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट। ये था, कब की बात है ये, फरवरी 2020। और 6 और महीने लगे सरकार को ये पूरी NRA की फंक्शनिंग को तय करने के लिए कागजों में थियोरेटिकली। और अगस्त 2020 में एक बॉडी को नोटिफाई कर दिया गया एज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और ये हो गया तैयार। अब ये कहा गया कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए होगा, जैसा मैंने आपको बताया ग्रुप बी और सी जो लोअर लेवल पोजीशंस हैं, और गेजेटेड पोस्ट ग्रुप बी के जिसके लिए जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है और आप इसमें भर्ती कर सकते हैं। तो यानी कि मिड से जूनियर लेवल पोजीशंस जो केंद्रीय सरकारी जॉब्स थे उनके लिए ये प्रोविज़न कर दिया गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाकर। और जो हाई स्कूल से अंडर ग्रेजुएट के क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन लोग आते हैं, जैसे ड्राइवर्स हैं, कॉन्स्टेबल्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं, स्टाफ नर्सेज, अकाउंटेंट्स, सब इंस्पेक्टर्स, ये सब इसी एग्ज़ाम के माध्यम से इनकी भर्ती होनी थी केंद्रीय सरकारी नौकरियों में। अब ये CET जो है ये सोचा गया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने जो कहा है ये बहुत ही बढ़िया एक विजनरी प्लान होगा। और उन्होंने बताया कि ये 3 लेवल पे होगा कि ग्रेजुएट्स जिन्होंने क्लास 12 कर लिया और जिन्होंने 10वीं पास कर ली। और ये अकेला एक तरीका नहीं होगा एप्लीकेंट्स को चुनने का, लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं जो नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो 3 गवर्नमेंट एजेंसीज है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, ये वो वाली जो नौकरियां इनके थ्रू होती है वो सारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा करी जाएंगी, भर्ती करी जाएंगी। और फिर इसके अलावा भी ये जो बाकी एजेंसीज है, ये जो इम्तिहान कराते हैं, ये लोग उसके लिए भी अप्लाई कर सकते थे अगर वो चाहते। अब इन्होंने मतलब इसको एक प्रिलिमिनरी फिल्टर की तरह तैयार किया ताकि ये जो 3 गवर्नमेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज है SSC, RRB, IBPS, ये उसके लिए एक प्रिलिमिनरी फिल्टर की तरह हुआ, तो कम एप्लीकेंट्स आएंगे, क्योंकि नहीं तो हर एक में अगर अप्लाई करेंगे तो वही एप्लीकेंट्स जो हैं अलग अलग भी अप्लाई कर रहे हैं, उतने ही स्टूडेंट का नंबर भी दिख रहा है। लेकिन सेम स्टूडेंट जब या सेम जो युवा है वो अप्लाई कर रहा है तो एक ही एग्ज़ाम से वो तीनों के लिए अप्लाई कर सकता था। तो अब जो है एजेंसीज, ये वाली एजेंसी नहीं आ गई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके अलावा पहले जो 3 थी वो भी हो गई, तो अब हो गई हमारे पास 4 रिक्रूटमेंट एजेंसीज। अब इसमें अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। एक साल के बाद 10 फरवरी 2021 को जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने लोकसभा को बताया था कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पहला इम्तिहान, पहली परीक्षा 2021 में करवाएगी, लेकिन ये बात झूठी निकली क्योंकि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA टेक ऑफ ही नहीं कर पाई और एक और साल निकल गया। फिर मई 2022 में सरकार ने कहा कि NRA एग्जाम कंडक्ट करेगी सेंट्रल एग्जाम नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए 2022 के एंड तक, वो भी नहीं हुआ। तो अभी तक कोई एग्जाम ये नहीं करवा पाए हैं और एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी भी बनाई गई थी मार्च 2022 के पहले, ये समझने के लिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाए, और अभी तक उस कमिटी ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। लंबी कहानी को छोड़ देते हैं, बहुत कुछ हुआ इसके बीच में भी, लेकिन दिसंबर 2022 में सारी डेडलाइंस अब ख़त्म हो गई थी और गवर्नमेंट ने मात्र 20.5 करोड़ NRA की फंक्शनिंग के लिए खर्च किए थे। और आपको मैंने बताया ना 1517 करोड़
तीन साल के लिए निर्मला सीतारमण जी ने अपने फरवरी के बजट में प्रावधान किया था NRA के तीन साल की फंक्शनिंग के लिए, लेकिन उसमें से केवल 20.5 करोड़ ही खर्च किए गए इसके। और ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13.85 करोड़ खर्च हुआ और 22-23 में 396 करोड़ एलोकेट हुआ, मगर पैसा रिलीज तक नहीं हुआ दिसंबर 2022 तक। ये एक RTI की रिपोर्ट बताती है। अगस्त 10, 2023 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने सुरजेवाला जी के एक सवाल के जवाब में कहा कि द कॉन्डक्ट ऑफ CET फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इज अ टोटल पैराडाइम शिफ्ट विच रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल IT एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम नॉर्म्स गाइडलाइंस फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ CET पैन इंडिया। हेंस CET कैन बी इंप्लीमेंटेड ओनली आफ्टर IT एंड फिजिकल स्ट्रक्चर हैव बीन पुट इन प्लेस एंड नॉर्म्स गाइडलाइंस फॉर वेरियस स्टेजेस फॉर द सेम हैव बीन इवॉल्व। अब आप देखिए कि फरवरी 2020 में प्रावधान किया गया और ये काम मतलब इसको बॉडी को बना दिया गया अगस्त 2020 में, लेकिन 2023 अगस्त भी नहीं, जब तीन साल पूरे हो गए, नवंबर में जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे पर्सनल के, वो कहते हैं कि अभी इसमें टाइम लगेगा। अब आप बता दीजिए, तो 2020 में सरकार ने ये कहा था कि ये एग्ज़ाम कराएगी 1000 सेंटर्स में, पूरे देश में 1000 सेंटर्स में, जो हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। और अगस्त 2023 में एक RTI जो डाली गई थी सूचक पटेल जी के द्वारा, उसमें जवाब दिया कि अभी तक एग्ज़ाम सेंटर फाइनलाइज नहीं हो सके हैं। NRA अपने आप इस काम को करने की कोशिश करती रही, लेकिन जो 33 सैंक्शन पोजीशंस हैं इनके हेडक्वार्टर्स में, उसमें 24 अभी भी खाली हैं, यानी कि 72% अभी भी खाली है। तो NRA अभी तक कोई काम नहीं कर पाई। जब से इसकी शुरुआत हुई है, इसकी गवर्निंग बॉडी मात्र दो बार मिली है, मात्र दो बार, जून 21, 2022 को और फिर जनवरी 12, 2023 को। और उन दोनों मीटिंग्स में क्या हुआ उसकी मिनट्स को अभी तक सरकार जो है वो साझा करने को तैयार नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी का एक्सक्यूज देकर। यूनियन गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस के तहत भी काफ़ी इनका क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अगस्त 2023 में कमिटी ने रिपोर्ट किया कि द कमिटी एम्फसाइजेज द मच अवेटेड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विच वॉज मैंडेटेड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एम्प्लॉयज इज नॉट फुली फंक्शनल एज ऑफ नाउ। और इसका मतलब है कि ये अभी तक तैयार नहीं है। और ये भी कहा कि NRA कैन नॉट टेक अनदर 2 ईयर्स टू गेट फुली फंक्शनल, मतलब जिस तरीके से ये काम कर रहे थे उससे ये साफ है कि काम हो ही नहीं रहा था। अब फरवरी 2024 में सरकार जो है वो NRA के बारे में कोई बात ही नहीं बता रही है, जब इन्होंने कहा कि चीटिंग और पेपर लीक को रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं, तब भी UPSC, SSC, RRB को तो इसमें डाला गया, मगर NRA को भूल गए, यानी कि ये भूल ही गए कि एक चौथी एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने खुद बनाई थी। 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर में अब जो चल रहा है NRA और कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो एक देश एक इम्तिहान, 1000 एग्ज़ाम सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री सारे जिलों में अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो एग्ज़ाम कहाँ से होंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी का वादा था 2020 का, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। सोचिए 2020 फरवरी में जो वादा किया गया, 2024 जून आ गया और उसमें पारदर्शिता भी नहीं है। 2 मीटिंग कुल हुए और उसके बारे में भी किसी को बताया नहीं गया है ना कमाल। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पर जो खबर और मिलेगी वो मैं आपके साथ साझा अवश्य करती रहूँगी। ये द रिपोर्टर्स कलेक्टिव पर जाइएगा, इनकी इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट है। इससे पता चलता है कि सरकार जो कहती है
वो करती नहीं या कर नहीं पाती या सोचती है कि करेगी, और जो नारा होता है कि एक राष्ट्र एक परीक्षा केवल एक नारा बनकर रह जाता है। इसलिए एक राष्ट्र एक इम्तिहान तो कभी इस देश में करना इनके लिए पॉसिबल भी नहीं है जब तक उसकी प्लानिंग सही नहीं होगी। आइडिया अच्छा था लेकिन कर नहीं पाए। इस वीडियो को शेयर करिएगा और अवश्य बताइएगा कि आप मुझसे और कौन से विषय पर वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं। अवश्य बनाऊंगी। मेरी वीडियोस जो नागालैंड के बारे में हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा, उससे आप बहुत कुछ जानेंगे देश के पूर्वोत्तर के हिस्से के इस सुंदर से राज्य नागालैंड के बारे में।